तो राजनीति में हिरणा कश्यप की एंट्री शायद बाकी रह गई थी, वो भी हो गई। पाकिस्तान में एक बार फिर भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों और भारतीय मेहमानों को परेशान किया गया है। पाकिस्तानी एजेंसियों ने भारतीय उच्चायोग में मेहमानों का भी अपमान कर दिया। भारतीय उच्चायोग की इफ्तार पार्टी में पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की इफ्तार पार्टी में मेहमानों से बदसलूकी की गई। कल इफ्तार में मेहमानों से पाकिस्तानी एजेंसियों ने अभद्र व्यवहार किया। बदसलूकी के विरोध में पाकिस्तान के सामने मुद्दा उठाएगा भारत। पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की बदसलूकी से मेहमान इफ्तार पार्टी में बिना शामिल हुए ही वापस लौट गए। पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों ने इफ्तार पार्टी में शामिल होने आए मेहमानों की गाड़ियां उठाई। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की रोजा इफ्तार में शामिल होने आए मेहमानों के साथ पाकिस्तान ने बदसलूकी की है। इफ्तार पार्टी में आए कई मेहमानों से पाकिस्तानी एजेंसियों ने बुरा बर्ताव किया है। सुरक्षा कर्मियों ने कई लोगों की गाड़ियों को वहां से उठवा दिया। इतना ही नहीं, मेहमानों को इतना परेशान किया गया कि बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हुए बिना ही वहां से लौट गए। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने मेहमानों को हुई परेशानी पर माफी भी मांगी है। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ आए और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा जो हमारे दोस्त स्पेशली कराची से भी आए हैं, लाहौर से भी आए हैं। और मैं आपसे माफी भी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोग बहुत तकलीफ है आज अंदर आने में और कई हमारे दोस्त नहीं आ पाए। इंडियन हाई कमीशन की तरफ से इफ्तार की दावत में जो गेस्ट आए उनके साथ जो व्यवहार किया है इससे पाकिस्तान की नीची सोच जाहिर होती है। ये सुधरने वाला देश नहीं है। ऐसे ही आजकल पाकिस्तानी फिर से डिप्रेस हो गए। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन किस पर जाहिर करेंगे? तो इफ्तार की दावत पे ही फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया उन्होंने। हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों से गलत बर्ताव की खबरें आती रही हैं। कभी उनके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, कभी उन्हें दफ्तर में बंद कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान का दोहरा रवैया है ये। मोदी सरकार के मंत्री पूरे एक्शन में हैं। आज गृहमंत्री अमित शाह ने जहां राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सियाचिन जा रहे हैं। मोदी सरकार 2.0 के मंत्री कामकाज संभालते ही पूरे एक्शन में है। काम संभालने के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे। आज राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन जाएंगे, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत साथ रहेंगे। अब की बार मोदी सरकार के मंत्रियों को जल्द रिजल्ट देने की चुनौती है। अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद थोड़ी देर के लिए मौन भी रखा। गृह मंत्रालय का कामकाज संभालने के दूसरे दिन अमित शाह राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और थोड़ी देर के लिए मौन भी रखा। दिल्ली के चाणक्यपुरी में करीब 6 एकड़ जमीन पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बना है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में मौजूद संग्रहालय को भी देखा। आज जहां गृह मंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं कल यानी सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन जा रहे हैं। उनके साथ आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी रहेंगे। रक्षा मंत्रालय का कामकाज संभालने के बाद दिल्ली से बाहर राजनाथ सिंह का यह पहला विभागीय दौरा है।